तजुर्बा कहता है शूरवीर वो नहीं जो हर जंग जीत जाए, शूरवीर वो हैं जो अपनी हार को भी जीत जाए। चलो साथियों, इस हार को जीत में बदलते हैं, चलो फिर आज इन हवाओं के विपरीत चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिन लोगों के फिजिकल नहीं हुए हैं वो हारे नहीं हैं, उनको इस हार को ही जीतना है। और जो लोग इस डेली के पोस्टपोन्ड होने से परेशान हैं, उनके लिए भी ये कोई हार नहीं है, ये बस इंतजार है उस जीत से पहले का, जो आपको चंद दिनों के बाद मिलने वाली है। साथियों, मैं हूं माही और आज बात करेंगे आज की अपडेट पर कि क्या अपडेट आज आई है, कौन कौन से फिजिकल पोस्टपोन्ड हो गए, क्योंकि पानी अभी भी भरा हुआ है मैदानों में। बारिश भले ही आज दिल्ली में नहीं हुई है, लेकिन पानी वहीं के वहीं भरा हुआ है, मैदान सूखे नहीं है, भागने के लिए अनुकूल नहीं है। चलो दोस्तों, आपको बता देता हूं, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आज बात करेंगे हम लेटेस्ट अपडेट्स पे, क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं आज की। देखो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि आज थोड़ी सी झड़प भी हो गई आपस में, मतलब बहसबाजी हो गई पुलिस में और स्टूडेंट्स में कि सर आप पहले क्यों नहीं बताते हो, यहाँ आते हैं जाते हैं, पेरेंट्स भी हैं साथ में, बार बार परेशान हो रहे हैं, थर्ड टाइम फिजिकल पोस्टपोन्ड हो गया। तो थोड़ी सी दिक्कत तो दोस्तों ये है, उनका लाजमी भी है गुस्सा होना, लेकिन दिल्ली पुलिस भी क्या करे, उनको जो ग्राउंड पे जो लोग हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन उसी टाइम मिलती होगी जब वो आपको बताते हैं, वो ऊपर से इन्फॉर्मेशन आती है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो ऊपर है, क्योंकि पहले से ही फॉरकास्टिंग हो चुकी है कि लगभग 5 अगस्त तक दिल्ली में मौसम ऐसा ही रहेगा, किसी भी दिन बारिश हो सकती है, कोई भी फिक्स नहीं है। बारिश की फॉरकास्टिंग हो चुकी है पहले ही कि 5 अगस्त तक मानसून ऐसे ही रहेगा, तो उसके हिसाब से इनको कोई जो है कदम लेना चाहिए, कोई निर्णय देना चाहिए। लेकिन जब स्टूडेंट आ जाते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि आपका फिजिकल अब उस दिन होगा, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो आती है। चलो बता देता हूँ आपको कुछ आज की अपडेट, क्या अपडेट हैं आज की साथियों, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, जड़ौदा कला जेके में जो था वो आखिरी फिजिकल 28 तारीख को बताया गया था कि 28 को आखिरी होगा, लेकिन वो पोस्टपोन्ड होकर पहुँच गया था 2 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 29 अगस्त की। 29 अगस्त को मैंने आपको बता दिया है, 29 अगस्त का जो फिजिकल था बजीराबाद का वो पहुंच गया था 3 अगस्त को। 29 अगस्त का जो फिजिकल था एनपीएल का वो पहुंच गया था 4 अगस्त को। इतनी बात मैंने आपको अब बता दी है सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं आज की अपडेट की, क्योंकि आज 30 तारीख है और आज बता देता हूं आपको क्या हुआ है कि आज बजीराबाद की बात करते हैं दोस्तों। बजीराबाद में जो 30 का फिजिकल आज का फिजिकल था वो अब पोस्टपोन्ड कर दिया है 4 अगस्त को, क्योंकि मैदान में पानी भरा हुआ है। बात कर लेता हूं एनपीएल ग्राउंड की, एनपीएल का जो फिजिकल था आज का 30 तारीख का वो पहुंच गया 5 अगस्त को। 5 अगस्त को पहुंच गया साथियों। तो यही आज की लेटेस्ट अपडेट है जो आपको मुझे बतानी है। एक चीज़ और बता देता हूं, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर आप ये बता दीजिए कि मेडिकल में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत आया है कमेंट्स में, देखा है मैंने। साथियों आपको बता दूं, मेडिकल में अगर बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ को मेडिकल में लगभग 6500 इतने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। और अगर फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में जो है बच्चे बुलाए जाएंगे लगभग 2500, 2500 के लगभग लड़कियां बुलाई जाएंगी फीमेल्स में। तो ये मेडिकल में इतने बच्चे बुलाए जाएंगे, और बाकी ही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे चुका हूं, तो कोई इतनी दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए दोस्तों, आपका फिजिकल अब कुछ दिन में होने ही वाला है, ठीक है। आपने मेडिकल के बारे में, कुछ लोग पूछते हैं सर मेडिकल का वीडियो बना दो, दोस्तों आपको बता दूं मैंने मेडिकल का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके ज़रूर चेक कर लें। उसमें मैंने टैटू की, दांतों की, बैरिकोज वेन्स की, और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसकी सब की बात कर रखी है मैंने वहाँ पर, ठीक है। तो आप वहां पे जाके एक बार जरूर देख लें, जो भी आपको लगता हो कि दिक्कत है उसको ठीक करवा लें, ठीक है साथियों। चलो ठीक है, मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।